नागिन। एक इच्छाधारी नागिन की हत्या करने के पाप से आपको बचा लूं, तो इंसाफ कैसे पूरा होगा? मेरा इंतकाम कैसे पूरा होगा? क्या इंतकाम? क्या इंतकाम? कैसा इंतकाम? कैसा इंतकाम? ओ नागिन है, वो नागिन है, ओ नागिन है वो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज। मेरे माँ बाबा का इंतकाम। कौन है नागिन? नागिन यहाँ है, उनकी बेटी हूँ मैं, जिसे तूने अनाथ छोड़ दिया था भोलेनाथ के इस मंदिर में। भूल गया, इसी जगह, इसी मंदिर में, इसी भगवान के सामने तुझ जैसे शैतान ने कौन सा पाप किया था? मेरी अंगूठी। मौत देने वाले को जिंदगी नहीं मिलती। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। महाकाल के मंदिर में तेरा काल आया है। आज भगवान के इस मंदिर में खुद भगवान ही तुझे नहीं बचा सकते। महाकाल की महाशक्ति जब उभरती है तो वो अपना रौद्र रूप दिखाती है। देख ले, मैं हूँ नागिन। शिवन्या की कार इस मंदिर के बाहर इतनी रात को इस मंदिर में क्यों आई है? शिवन्या,
शिवन्या तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ? तुम तो सो रहे थे ना? तो वो मैं लो बेटा, पूजा की थाली। वो आज शिवजी के बहुत बड़े भक्तों की रात है, आज शिवजी की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, वो इसीलिए मैं मंदिर आई थी। तुम सो रहे थे तो मैंने सोचा कि जगाऊं नहीं, सोचा कि जल्दी से पूजा संपन्न करके वापस लौट आऊंगी। ये पूजा अपने पति के लंबी उम्र के लिए की जाती है। ओ, तो तुम पूजा और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। अरे तो तुम मुझे जगा देती ना, मैं खुद तुम्हें मंदिर ले आता। मुझे भी तो अपनी पत्नी की लंबी उम्र चाहिए, मैं अकेला लंबा जी के क्या करूंगा। ये भगवान जी ना बड़ी पार्शियलिटी करते हैं, ये पूजा पाठ व्रत उपवास ये सब लड़कियों की किस्मत में क्यों लिखती है? हम लड़कों के झोली में भी कुछ डाल देते, हमें भी तो उम्र भर का साथ चाहिए अपने पत्नी का। मैं भी तुम्हारे साथ पूजा करूंगा, मेरी भी एक प्रार्थना है कि जब तक मैं जीऊं मेरी पत्नी मेरे साथ जी, मेरे लिए, मेरे लिए। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे इंसान हो। जितना तुम सोचते हो अपने पत्नी के बारे में उतना और कोई नहीं सोचता। हाँ मैंने भी देखा है बहुत टीवी सीरियल्स में, तुम ना मुझे बिल्कुल सती पार्वती जैसी लगती हो। तुम्हारा ये रूप, इनफैक्ट एक रूप में ना जाने कितने रूप। मां कहती है पार्वती जी का एक रूप काली भी होती, और जब काली आती है ना तो वो किसी को नहीं छोड़ती। इसीलिए ना मुझे तुमसे डर लगता है। चुप रहो और पूजा करो। जानते हो आज शिवजी के सबसे बड़े भक्तों की रात है, शक्ति की रात है। आज की रात इस मंदिर में इस शिवलिंग के सामने जो भी मांगोगे ना वो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा ही हुआ तुम यहाँ आ गए, शायद इसीलिए आए हो कि जो भी चाहते हो, जो भी इच्छा है तुम्हारी वो तुम्हारे सामने आ जाए। मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे लिए, ये मांगती हूँ। तुमसे पहले मैं मांगता हूँ शिव जी से, हमारी जोड़ी, हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। पहले ही पता था जब मेरे पास एसएमएस आ गया ना, मैं समझ गया कि सूरी ने एक बार फिर से अपना प्लान जो है पोस्टपोन कर दिया। बाय द वे भाई साहब हैं कहाँ? आएंगे तब जाएंगे ना। मतलब कल रात को हमारी कनाडा की फ्लाइट थी लेकिन वो एयरपोर्ट पे आ ही नहीं। सूरी को इतनी जल्दी हो रही थी कनाडा जाने की और आप कह रही है कि वो एयरपोर्ट पहुंचा ही नहीं, ऐसे अचानक कहाँ गायब हो सकता हो? मुझे नहीं पता। एक मिनट एक मिनट, आयंकी बोल। अरे ये सूरी तेरे साथ है क्या? मैं चलेश मेरी बात को समझ, सूरी का कल से कुछ अता पता नहीं है, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। तो एक काम कर फटाफट मेरे पास घर पे आ, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, समझा? चल फटाफट निकल। हाँ ओके। अभी आप मेरे साथ घर चलिए, देखिए अभी तक सूरी आया नहीं है ना, हम वहीं पे घर पे चल के कुछ रास्ता निकालते हैं।
सुनो जी, वो मैंने ना सूरी को आपके पीछे भेजा था मंदिर में। क्या करती फिर मैं? उस फिरंगन का मैसेज पढ़ लिया था मैंने। वो तो अच्छा हुआ सूरी भैया ने मुझे बता दिया फोन करके कि वो वहां पर नहीं है। और फिर मैंने होटल फोन किया तो उन्होंने भी बताया कि वो वहीं पर है। इसलिए ना मेरी तरफ से तो सब ओके है, आपकी सारी मैंने एक्सेप्ट कर ली है। अरे क्या हो गया शैलेश, ये चोट कैसे लगी? कल मंदिर गया था तो उसकी सीढ़ियों से गिर गया, इसलिए हल्की सी चोट लग गई है। तो आप भी ना, क्या जरूरत थी आपको मंदिर जाने की, गड़े मुर्दे उखाड़ने की? तो सूरी ने रम्या को कुछ नहीं बताया है? क्यों? माँ बाबा की तस्वीर ऋतिक ने कहाँ रख दी? कहीं मिल क्यों नहीं रही? शायद अलमारी में होगी। क्या ढूंढ रही हो ब्यूटीफुल वाइफ? वो मेरा मंगलसूत्र कहीं खो गया, कल कहीं निकाल के रख दिया था, अभी मिल नहीं रहा। इसका मतलब तुमने मुझे खो दिया? ये लो, तुमने मुझे वॉशरूम में बेसिन के पास रख दिया था। ये मैं ही तो हूं तुम्हारा पति, इतना कीमती बेश कीमती, इसमें मेरी जान बसती है और तुम्हारा सुहाग बसता है। ये लो, इसे बेसिन के पास नहीं, तुम्हारे दिल के पास रखना चाहिए। इसे पहन लो और दोबारा कभी उतारना मत, ओके? आज तुम्हारे माँ बाबा की फोटो फ्रेम कोई लेके आएगा। माँ बाबा की फोटो कहाँ, किसके पास है? वो मैंने फ्रेमिंग के लिए दी थी ना, आज मिल जाएगी, उसे हॉल में लगाएंगे। हॉल में? हाँ, मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था कि इस दीवार पर लगाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हॉल में ही लगाएंगे। मेरे मॉम डैड की तस्वीर भी हॉल में ही है, तो तुम्हारे पेरेंट्स की तस्वीर भी हॉल में ही लगनी चाहिए। मैं उनकी बहुत याद आती है, हाँ, नजरों के सामने रहेगी। वहां सबकी नजरों के सामने रहेगी। क्या करूं अब, वो तस्वीर सबके सामने नहीं आनी चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना बड़ा झगड़ा हो गया और उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। इनफैक्ट वो तो ये बोल रही थी कि वो शॉपिंग मॉल में गई थी, उसके बाद वो एयरपोर्ट पे गई, पूरी रात तो सूरी का वेट कर रही थी, लेकिन सूरी नहीं आया। तो फिर वो एयरपोर्ट से मंदिर कैसे जाएगी भाई? क्या बात कर, उसने मुझे खुद मैसेज करके वहां पर बुलाया मंदिर में। यार कौन सा मंदिर में, तुम किस मंदिर की बात कर रहे हो? उसी शिव मंदिर की जहां हम तीनों ने वो कांड किया था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू उस मंदिर में क्या करने गया था? हाँ, मैंने बताया ना, मनीषा ने मुझे मैसेज देकर बुलाया था कि वहां आ जाओ और फिर हम दोनों कहीं भागने वाले हैं। लग गई शैलेश, बिन भाव के लग गई तुझे। उसने मैसेज फोन दे अपना, फोन दे अपना। क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है? तेरे पाप धो रहा। अरे ये मैसेज क्यों डिलीट कर दिया? एंकी यही तो एक सबूत था जिससे पता चलता कि मुनीषा ने मुझे मैसेज। यही एक सबूत था, यही एक सबूत था जो तेरे ऊपर भारी पड़ सकता था, समझा इडियट? अपने अपने दिमाग पे जरा जोर डाल कि सूरी की इस नई बीवी को उस मंदिर के बारे में कैसे पता था, सोच। पर अगर उसे इस मंदिर के बारे में पता भी होता तो वो तुझे वहां पे क्यों बुलाती? इडियट, उसे कुछ नहीं पता था क्योंकि वो
पूरी रात एयरपोर्ट पे थी। पर सोच कौन हो सकता है, किसने तुझे वहां पे बुलाया? वो चलिश, वो मोनिशा नहीं थी, कोई और थी जिसने तुझे मैसेज करके मंदिर पे बुलाया, सूरी को वहां बुलाया और ये सारा खेल रचा। कौन कौन हो? हमारी सबसे बड़ी दुश्मन नागिन, ये सारा किया कराया उसी नागिन का है दोस्त। उसने अपना खेल खेल दिया, उसने अपनी चाल चल दी और I'm sure वो सूरी गया दोस्त। क्या बात कर रहा है? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? अरे यार, हम दोनों ने गुरु माँ की दी हुई अंगूठी पहनी थी उस समय, कैसे हो सकता है यार? यही तो हैरानी की बात है यार, कि अंगूठी के होते हुए सूरी की जान कैसे। आंकी जी, पीछे पुलिस आई है पूछताछ के लिए। अब्बा, अब चलो नीचे, हमको बाहर चलिए चलिए। देख शैलेश, ये बात बहुत ध्यान से सुन। देख, पुलिस आ गई है, मामला बहुत सीरियस हो गया है। तू सब भूल जा, मोनिशा के मैसेज के बारे में भूल जा, तेरा सूरी से वहां पे मिलना, तेरा सूरी के साथ झगड़ा, सब कुछ भूल जा। कुछ नहीं हुआ, ब्लैंक हो जा, चिप अपनी साफ कर दे। तू अपना मुंह बंद रखना, मैं सब संभालूंगा, क्योंकि तू ही वो शख्स है जो सूरी से आखिरी बार वहां पे मिला, समझा? मैं पुलिस से बात करूंगा, मैं सब संभालूंगा, तू चुप रहना बस। अच्छा मैडम, आपने मुझे इन्फॉर्म किया, वरना पुलिस को तो पता ही नहीं चलता। वैसे आपको क्या लगता है, कहां जा सकते हैं आपके पति? भागे वो, भागे किसी ऑटो सेक्सी लड़की के साथ में जाती, वो भागे मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ के। मोनिशा शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। आ जाएंगे सूरी भाई साहब। ये कौन है और मिस्टर सूरी से इनका क्या रिश्ता है? इंस्पेक्टर, ये मेरी बहू शिवन्या है, अभी अभी इसकी शादी हुई है मेरे बेटे के साथ, और हाल ही में मोनिशा और सूरी भाई साहब से इसकी मुलाकात हुई है, इसलिए इस मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेना देना है या नहीं ये पुलिस तय करेगी। वैसे कल रात आप कहां थी? इंस्पेक्टर, ये कैसा सवाल है? घर की बहू रात को कहां हो सकती है? अपने पति के साथ, मेरे बेटे ऋतिक के साथ थी वो। अभी अभी तो मैंने आपसे कहा कि इनकी शादी हुई है। ठीक है, मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए प्लीज। ओ, कल रात आप अपने पति के साथ, कहां है आपके पति? मैं अंकुश रहेगा, और ये मेरे दोस्त शैलेश माथुर। वैसे मिस्टर सूरी से क्या रिश्ता है आपका? हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों दोस्त? तो फिर बताइए कि कल रात से पहले आखिरी बार कब मिले थे आप अपने दोस्त से? तुम लोग चाहे कितने ही खड्डे खोद लो, इंसान तो इंसान, परिंदे तक को सुराग नहीं मिलेगा सूरी का, कि उसे जमीन खा गई या आसमान। उसका इतना भयानक अंत किया है कि उस तक कोई नहीं पहुंच पाए, उसकी हस्ती, उसका वजूद, उसके शरीर का जर्रा जर्रा मिटा दिया है। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू जी, मामला बहुत संगीन लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वो नागिन, वो आ गई, वो आ गई है। नागिन ने वो सूरी का, आई थिंक सूरी भाई साहब कहाँ होंगे इसका पता सिर्फ एक ही इंसान हमें बता सकता है, और वो है गुरु माँ। हमें जल्द से जल्द गुरु माँ से मिलना होगा। हाँ, गुरु माँ का बच सकता है। गुरु माँ कैसा हो गया? गुरु माँ कल
कल से सूरी भाई साहब गायब है। सुबह हम लोग पांच थे, पांच में से दूसरा भी गया। कहीं उस नागिन ने सूरी को भी तो। रुमा आप ही हमारा सहारा है, हमारी आखिरी उम्मीद है आप। रुमा आपने हमसे कहा था कि अगर हम ये अंगूठी पहन के रखेंगे तो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सूरी ने भी अंगूठी पहनी, फिर उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? अनर्थ। अनर्थ? कैसा अनर्थ गुरुमा? घोर अनर्थ। नहीं तुम्हारा दोस्त, हाथ से अंगूठी गई, काल आ गया, अंगूठी निकल गई, किस्मत बदल गई, नागिन ने बदला ले लिया। मतलब सूरी गया? गुरुमा इस समय कहाँ है वो? काली तू लय है, लय की प्रलय है। काली तू काल है, काल तू अकाल है, अकाल तू विकराल है, रक्त का उबाल है, निढाल की तू ढाल है। जय अम्बे जगदम्बे माँ काली, जय अम्बे जगदम्बे माँ काली। अनर्थ। असंभव, अनहोनी। गुरुमा क्या हुआ? गुरुमा क्या देखा आपने? बताइए तो सही, क्या देखा है आपने? तो गया, ले गई नागिन उसे, मार डाला। नहीं आएगा वो लौट के, भस्म हो गया, गया। नहीं गुरुमा नहीं, मेरा पूरा परिवार खतरे में है। वो आ गई है, वो नागिन आ गई है। गुरुमा मैं भागती हूँ, वो अंगूठी सबके पास है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आप ही कोई उपाय बताइए ना गुरुमा। अब सिर्फ एक ही उपाय है जो तुम सबको बचा सके। कैसा उपाय गुरुमा, कैसा उपाय? महाकाली यज्ञ। महाकाली का यज्ञ? पुराणों में लिखा है यहाँ जो प्राचीन मशान है, बहुत पहले माँ काली के भक्तों ने वहाँ दिन रात साधना प्रार्थना जप तप करके माँ को जागृत किया। माँ काली जब जागृत हो जाती तो अपने रौद्र रूप में आती, हर दुश्मन को विनाश कर जाती है। शिव की भक्ति है वो, शिव की शक्ति है वो शिव में, शिव उसमें है, शिव का ही रूप प्रतिरूप है वो। शिव काल है, काल को काटने के लिए सिर्फ एक ही है, काली माँ काली। जय माँ। आज अब तो एक वरदान तो देकर ही जाएगी, तुम्हारा दुश्मन का विनाश कर जाएगी। अगर नागिन का अंत कोई कर सकता है तो वो है माँ काली, माँ स्वयं माँ शक्ति। जाओ जाकर कह दो अपने पूरे परिवार को, आज अमावस की रात यज्ञ होगा उस मशान में, परिवार का हर सदस्य आएगा, और जो नहीं आएगा वो जान से जाएगा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। अंकुश रह जाए और माँ फिर चले गए गुरु माँ के पास।
अब फिर गुरु माँ उन्हें कोई नया उपाय देंगी, न जाने कौन सी नई बाधा डालेंगी मेरे रास्ते में। जी हेलो मैम। मैम ये ऋतिक सर ने दिए थे फोटो फ्रेम, वही लाया हूँ। फोटो फ्रेम? मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे दे दीजिए। ओके मैम। अच्छा है इस वक्त यहाँ कोई नहीं, कोई और इसे देखे, इससे पहले मुझे इसे नष्ट करना होगा। दिवन्या, रुको। ये कौन आया था भैया, और ये क्या हैप्पी फोटो फ्रेम? वो मेरे माँ बाबा की तस्वीर ऋतिक ने फ्रेम कराई है। हाँ जानते हैं, ऋतिक ने ही करवाया। आंटी जी याद है ना, अरे वो फोटो लेकर आया था तो हमने उससे ये भी पूछा कि हमें दिखाओ, तो वो हमसे क्या कह रहा था, नहीं सबसे पहले मैं शिवन्या को ही दिखाऊंगा, सरप्राइज दूंगा उसे। तुमने तो देख ली ना, अब तो हमें दिखाओ। आज मेरा राज खुल जाएगा कि मेरे माँ बाबा नाग नागिन थे और मैं आंटी जी ये क्या किया आपने, फोटो तोड़ दी। आपको फोटो की चिंता और ये मेरी चोट, इसका क्या? सॉरी शिवन्या। नहीं नहीं माँ, वो टूटे हुए कांच में से किसी का चेहरा देखना शुभ नहीं होता। सॉरी बेटा, मेरी वजह से तुम्हारा ये प्रेम। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करा लूंगी। तो चलिए बैंडेड करिए। जी चलिए। जिनसे प्यार करते उनकी निशानी हमेशा अपने पास रखते। मुझे माफ कर देना माँ बाबा, मैं आपकी ये निशानी अपने पास नहीं रख सकती। ये दिल तो बहुत दुख रहा, लेकिन अगर ये तस्वीर उन कातिलों ने देख ली तो मेरा असली रूप उनके सामने आ जाएगा। मेरा मकसद, मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा और ये कभी होने नहीं दूंगी। अगर मैंने आपकी इस निशानी को नहीं मिटाया तो उन कातिलों के वजूद को कैसे मिटाऊंगी? मुझे इस निशानी को मिटाना होगा। एक इच्छाधारी नागिन का बदला है ये, कोई नहीं बदल सकता। मेरे माँ बाबा के एक एक कातिलों का विनाश करूंगी, दो को तो उसके अंजाम तक पहुंचा चुकी हूं, अब दो मेरे सामने हैं और वो पांचवा कातिल जिसका चेहरा मैंने नहीं देखा,
उसे भी सामने लेकर आऊंगी मैं। छोटी मालकिन, आप सबको बड़ी मालकिन ने नीचे बुलाया है। सबको बुलाया जी, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। जी अब क्या करने वाले हैं? Why so serious guys? शिवन्या, कहीं तुमने मेरी शिकायत माँ से तो नहीं करी? ऋतिक, ये मजाक का वक्त नहीं है। मामला बहुत ही गंभीर है और मैं चाहती हूँ तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात को हम सब एक साथ निकल रहे हैं महाकाली यज्ञ के लिए। उस नागिन से हमारे परिवार को बचाने के लिए महाकाली यज्ञ करवा रही है गुरुबा। एक बात और, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको चलना है हमारे साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई भी आ जाए। और तो और, मैं ये भी चाहती हूँ कि ये यज्ञ शिवन्या और रति के हाथों से ही हो। मैं यज्ञ में गई तो मेरे वहां कदम रखते ही मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आज शाम को हम सब एक साथ यहां से निकलने वाले हैं। जाओ। अगर सूर्य अंकल लापता है, इसका मतलब ये तो नहीं उस नागिन ने उन्हें मार, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई। देखो ऋतिक, मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपने परिवार की सलामती चाहिए और तुम आज शाम को पूजा में आ रहे बस। वहाँ जिस चीज में मैं विश्वास ही नहीं करता, वहाँ जाने से क्या? हाँ, अब तो बहुत बड़ा हो गया ना, अब तो तेरी शादी भी हो गई, अपनी माँ की बात तुम कहाँ मान। शिवन्या की बात तो तुम मान ही लोगे, तुम्हारी बीवी है ना। तो ऋतिक बेटा, तुम ही समझाओ इसे कि ये पूजा में चले। कैसे बोलू ऋतिक को, जब मैं खुद भी नहीं जाना चाहती इस यज्ञ में। क्या हुआ शिवन्या, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हम माँ की बात कैसे टाल सकते हैं? वो आपको तो मान ही लेगा ना। देखो ऋतिक, ये मैं तुम्हारी और शिवन्या की भलाई के लिए कह रही हूँ। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है, और वो नागिन कभी भी हम बर्बाद कर सकती है। दिल, प्यार, मोहब्बत कुछ नहीं समझती वो, उसकी नजरों में हमारा परिवार आ चुका है। हमें रक्षा की जरूरत है जो गुरु माँ दे रही। मैं मानती हूँ बेटा कि इन बातों को तू नहीं मानता, लेकिन अपनी माँ की बातों को तो मानता है। सिर्फ गुरु माँ उस नागिन से हमें बचा सकती है। एक गुरु माँ ही है जो उस नागिन को अपने वश में कर सकती है। ठीक है माँ, आप चाहती हैं तो मैं चलूंगा, पर सिर्फ आपके लिए। पंकज जी, शैलेश भाई साहब को फोन करके बता दीजिएगा कि वो भी अपने परिवार के साथ वहां। तुमने जाने के लिए हाँ क्यों कर दी रहते? जान का खतरा अब मुझे। महाकाली यज्ञ, काली के सामने जाओगी तुम शिवन्या, मर जाओगी। तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुम गुरुमा के सामने गई थी तो क्या हुआ था? तुम वहां पैर तक नहीं रख पाई थी, स्पाज ने तुम पर हमला कर दिया था, और इस बार तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ जा रहा है। अगर वहां पैर रखते ही तुम्हारा असली रूप सबके सामने आ गया तो? नहीं, कुछ भी करो शिवन्या, बोल दो कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे बोल दूं कि नहीं जाऊंगी?
ये साड़ी पहन लो बेटा। जी माँ। ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, हमसे बच के नहीं जा सकते। मैं कुछ करती हूँ। ये धोती है या चाइना की वॉल, पता नहीं कहां से पकड़ूं और कहां से डालूं। ये माँ की जिद भी ना बड़ी अजीब होती है, पहले यज्ञ में बैठूं फिर ये धोती पहनूं। पता नहीं लोग धोती बनाते क्यों हैं। हंस लो, पिक्चर चल रही है ना यहाँ पर, तुम भी हंस लो। मैं माँ को जाके अभी बताता हूँ कि ये धोती मुझसे नहीं होती। क्या कर रही है, उड़ी तो शर्म कर, कहीं भी गिर जाती गिरी हुई कहीं की। तुम कहो तो मैं पहना दूं। हैं? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्यों, अंदर कुछ नहीं पहना है क्या? ओहो, अंदर की बात, तुम कहो तो अंदर चले। पहनानी है तो बोल। पहनानी आती है तो बोलो। आती है। आती है तो पहनाओ ना, दूर क्यों खड़ी हो, पास आओ, देखो धोती। इतना अच्छा लग रहा हूं ना धोती में, मुझे नहीं पता था धोती इतनी शिवन्य होती है। I mean, सेक्सी होती है। ये भगवान, क्या हुआ, धोती तो बन गई। अब नहीं, वो प्रसाद में रखने के लिए खीर चढ़ाया था, उतारना भूल ही गई। अच्छा, मैं उदास नहीं देख सकता, अब तुमने बनाई है ना, देखना पूरी की पूरी चढ़ जाऊंगा। यम्मी, बहुत टेस्टी बनाई है। ओके, चल मेरी धोती, बैलेंस बना के रखना, गिर मत जाना, मेरी इज्जत का सवाल है। अब मैंने तुम्हें खीर में जहर डालकर खिला दिया है ऋतिक, अब मैं देखती हूँ तुम महाकाली के यज्ञ में कैसे जाते हो, और अब शिवन्या को भी यज्ञ में नहीं जाना पड़ेगा।